भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और अब तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे इसलिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और भारत एक नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो इस वक्त अगर कोई ऐसा प्रश्न आए कि राहुल गांधी भारतीय हैं कि नहीं, इस तरह के प्रश्न जब हमारे बीच में आते हैं तो ये बात एकदम स्वाभाविक है कि इस चीज़ पे बयानबाजी बहुत चलेगी। कौन नेता क्या कहेगा, कौन नेता क्या कहेगा, और इस वक्त ऐसे प्रश्न का उठना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यह होता है कि इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, जिनके पैतृक यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, ये जो लोग हैं, इन्होंने देश के विकास में बहुत योगदान दिया। अगर हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, तो क्या उनके परपोत्र जो हैं वो भारतीय नहीं हैं? इस तरह की बात जो है वो हमारे बीच में आएगी तो हमें भी बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो गया। ये सब जो समस्या है वो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करूंगी अपने तर्क से। दरअसल हमारे भारत में नागरिकता को लेके एक नियम बनाया गया है। अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि भारत की एकहरी नागरिकता होगी और विदेश की नागरिकता हम नहीं ले सकते, उस पर रोक लगाई गई है। अब ये एकहरी नागरिकता वाला मसला क्या है? दरअसल अगर आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, कहीं भी रहते हो, आप पे सिर्फ एक नागरिकता काम करती है, वो होती है भारतीय। भारत का हर एक नागरिक जो है वो भारतीय है और कुछ नहीं। दरअसल बहुत से ऐसे देश हैं जो दोहरी नागरिकता की भी बात रखते हैं, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 9 ये बताता है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रही हूँ। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक दस्तावेज़ दिखाया है और उसमें ये बताया है कि राहुल गांधी जी जो हैं उन पे विदेशी होने का दावा है। उस दस्तावेज़ में, सिटीजनशिप में, राहुल गांधी ब्रिटिश के दिखाए जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का है, उन्होंने एक दस्तावेज जो है वो सामने लाया है। सुब्रमण्यम स्वामी जी इससे पहले जो है राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। दरअसल उन्होंने दो बार पत्र लिखा है। एक पत्र जो है उन्होंने 21 सितंबर 2017 में लिखा था और जिस पे कोई काम नहीं हुआ, तो उन्होंने दूसरा पत्र जो है वो 29 अप्रैल 2019 में लिख दिया है और ये पत्र जो है उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि पूरी बात क्या है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसकी सफाई जो है वो कांग्रेस किस तरह से दे रहा और बीजेपी क्या कह रही है। दरअसल एक कंपनी है ब्रिटेन की जो 2003 में बनी है, उसका नाम है बैक ऑफ्स लिमिटेड। ये कंपनी जो है उसका रजिस्ट्रेशन 2003 में हुआ था। इसमें राहुल गांधी इस कंपनी के निर्देशक और सचिव बताए गए हैं और अक्टूबर 2005 और 2006 में रिटर्न फाइल करते वक्त राहुल गांधी की नागरिकता जो है वो ब्रिटिश ही बताई गई है। कंपनी भंग करते वक्त यानी कि फरवरी 2009 में पत्र में राहुल गांधी की जो नागरिकता बताई गई वो ब्रिटिश ही बताई गई। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी 2015 में और जो है उसका कार सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर 2015 में इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था। मार्च 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लोकसभा की आचार समिति को भी शिकायत की थी। यानी कि ये मसला जो है वो बहुत पुराना है। 2015 में भी इस चीज़ को लेके काम किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया गया। उसके 2016 में भी इस चीज़ को सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आचार संहिता को शिकायत की थी। अब 2019 में वो गृह मंत्रालय चले गए और गृह मंत्रालय जो है वो एक लेटर लिख के राहुल गांधी को एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा है कि आप 15 दिन के अंदर ये प्रूफ कीजिए कि आप जो है वो भारतीय हैं। क्या ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है? हम सबको पता है कि राहुल गांधी जी का जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ है और राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सबसे पहले पुत्र जो हैं वो राहुल जी हैं। लेकिन सोचने की बात है कि ऐसा जो प्रश्न उठता है उस पर ये प्रश्न उठने की बात कहाँ से आई? अगर मैं आपको बताऊँ, सोनिया जी यहाँ की नहीं, विदेश की हैं, तो इस तरह से ये भी समझा जा सकता है कि जो सोनिया जी हैं वो विदेश के हैं तो राहुल जी जो हैं वो भी विदेश के हैं। लेकिन जो भारत की नागरिकता जो है वो ऐसे मिलती है कि अगर बच्चे के जन्म के वक्त उसके पिता या माता में कोई भी अगर भारतीय होता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये वाला जो तर्क लोग दे रहे हैं कि उनकी माता विदेशी थी
इटली से आई थी, तो जो है वो राहुल जी जो है वो विदेशी हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये बात ऐसे है कि अगर आपके माता पिता में से कोई भी भारतीय होता है तो आपको भारत की नागरिकता मिलती है। समिति के सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है और ये 15 दिन के अंदर इस बात को प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि आप जो हैं वो भारतीय हैं कि नहीं। फिर आचार संहिता पिछले 4 साल से जो है वो कोई बैठक नहीं की। आखिर जब आचार संहिता को 2016 में ये पूछा गया था, ये शिकायत की गई थी, तो उन्हें बैठक करके ये डिसाइड कर लेना चाहिए था। 4 साल का समय था, डिसाइड कर लेते कि राहुल गांधी जो है वो भारतीय की विदेशी, लेकिन वो उस वक्त नहीं किया गया, अब किया गया है क्योंकि चुनाव आ गया है। दरअसल प्रियंका गांधी से ये प्रश्न पूछा गया कि राहुल गांधी भारतीय हैं विदेशी, तो प्रियंका गांधी ने ये बात सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ये बिल्कुल बकवास है। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी का जन्म भारत में हुआ है, यहीं पढ़े बड़े हैं। जो ये प्रश्न पूछा है बेहद बेतुखा सवाल है, इस तरह की बात उन्होंने कही। अगर मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस प्रवक्ता जी जो हैं उन्होंने भी राहुल गांधी को यही कहा है कि राहुल गांधी जन्म से ही भारत के नागरिक हैं और सदैव भारत के नागरिक ही रहेंगे। उनका और उनके परिवार का देश के लिए इतिहास में नाम दर्ज है। बिल्कुल सही है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जो हैं वो भारत की बहुत पुरानी नागरिकता लेके रखी हुई हैं और उन्होंने देश के विकास में योगदान दिया है। इस प्रकार का बकवास और बवंडर मचा के जो है वो झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की वजह से, और कांग्रेस ने इस तरह की सफाई दी है। हमें समझना होगा कि इस बीच ऐसे सवाल जब निकल के आते हैं तो इससे क्या समझा जा सकता है। आप अपनी तार्किक सोच को बरकरार रखिए और ये सोचते रहिए कि ये सब प्रश्न क्यों निकल के आता है। और लास्ट ये कि आप क्या समझते हैं, राहुल गांधी भारतीय या विदेशी? जो भी समझते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भारत एक नई सोच को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप तक वीडियो जल्दी से जल्दी पहुँचे इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।